हमारी जो माताएं बहनें हैं या हमारी जो सखियां हैं उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी अपन किचन में जाए तो अपना बाल को समेट के रखें ताकि खाना में ना मिले, क्योंकि खाना में अगर बाल मिलता है तो उसको शुभ माना जाता है। और ये हमारा रोटी रेडी है सत्तूभर की, और जिमी के लिए कुछ सूखा रोटी बना दिए हैं क्योंकि वो तेल वाला नहीं खाती है। और ये टमाटर का चटनी है सत्तूभर की रोटी के साथ, तो हमारा ये लगभग रेडी है। जिमी के लिए सूखा रोटी जो बना दिए हैं चार छः पीस है। और ये मेरा बगान का है जो सारा तोड़ के ले आए हैं क्योंकि दाना हो गया है, तो इसको भी आज बनाएंगे, सुट्टी है। और ये हमारा रोटी यानी सुबह का नाश्ता तैयार है। हम जिमी को खाना दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। आज बाबू आया है 3-4 दिन बाद फुआ घर से, तो खाना देने के लिए बाबू जा रहा है जिमी को। डेली तो हम दे देते थे, अभी बाबू हमेशा बोलेगा मम्मी दीजिए हम खाना देंगे जिमी को, खाना दो जिमी को, नहीं तो प्लेटे से खाने लगेगी। देखो कैसन डाल दिया, फिर उठेगा नहीं ज्यादा पानी होने से। उसको हटाइए, खाना नहीं है। खाना नहीं है, देखिए कितना बदमाश करेगा, उसे क्या करेगा। शुभम जा रहा है, ठीक ना, छोड़ दो छोड़ दो, उसको पता है क्या चीज है। बाय जिमी, चल गिर जाएगा। कहाँ चल गया, मैं पानी वेस्ट कर रहा है, देखो सब पानी से खेल, उसमें गुस्से का नहाएगा क्या। चल हो गया बाबू, बाबू भी आ गया है फुआ घर से कल रात को, और बाबू देखिए हम छिले तो ले लिया। तो पापा गए थे लेने, पेंट में लग रहा है ना रस, उसका कड़कड़ हो जाएगा जहाँ रस लग रहा है। बाबू बैठे हैं आंगन में, ठीक खा रहे हैं। जवाब आ रहा है, हम चीज़ चीज़ दे रहे हैं तब बाबू खा रहा है, मैं दांत दर्द दे रहा है तो भी खाना हो रहा है। बाबू का दांत में दर्द है, दर्द ठीक हो जाएगा खाने से। दो है रखा हुआ,
वो रहने देते हैं, कल खाएंगे या फिर बेटी आएगी तो बेटी खाएगी। उस समय एक बहुत ही लोग, बहुत ज़्यादा लोग लगाते थे, आजकल तो नहीं करता है। मेरा मायके में भी मेरे दादाजी लोग बड़ा बड़ा खेत में, एक दो तीन खेत में लगता था, बहुत ज़्यादा ईक होता था और हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं। अभी मिलता है तो बहुत मुश्किल से। बाबू तो चबा ही नहीं सकता है, सब चबा नहीं सकते। चूसो खाना है, नहीं खाए नहीं सब्जी चले रखा। तो मेरा सूटी का सब्जी पस्तू देके बनाया है। तो गाइस हमारा खाना बन गया है और वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं कंता मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि मुझे आगे ब्लॉग बनाने का भी मन करेगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।